मैं समझता हूँ कि हमारा उम्मीदवार से लड़ाई नहीं, हमारी मुद्दों की लड़ाई है। हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा है। इस लोकसभा क्षेत्र के साथ जो एक भेदभाव हुआ, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, और आने वाले समय में कैसे दोबारा से विकास के ट्रैक पे आए रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और ये पूरा हरियाणा लूट और झूठ की बीजेपी की राजनीति से के चुंगल से कैसे बचे, ये हमारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम लेके लड़ रहे हैं। जहाँ तक उम्मीदवार की बात है, मैं समझता हूँ ये जो उम्मीदवार हैं इन्होंने आवेदन शायद करनाल का दिया था, और ये तो यहाँ पे रुचि ही नहीं थी इनकी। तो इन्होंने बड़ी कोशिश करी कि भाई किसी तरीके से रोहतक ना आए। पहले करनाल का दिया था, उसके बाद इन्होंने सोनीपत का कहा, उसके बाद कहीं ना कहीं इन पर थोपी गई टिकट ऐसा जो है दिखाई देता है, और एक पैराशूट के रूप में ये उतर के आए हैं। और जो है जब इनकी रोहतक से चुनाव लड़ने की कोई रुचि ही नहीं थी, आने वाले समय में ये रोहतक के विकास में कितनी रुचि रखेंगे, यहाँ के लोगों के सुख दुख में कितनी रुचि रखेंगे, इस बात का अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। विकास पर वो कहते हैं कि भाजपा से ज़्यादा विकास कोई नहीं करा सकता, और मोदी की लहर में तो क्या वो ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी देखा ही नहीं जाना चाहिए? ये उनके लोकतंत्र के बारे में, प्रजातंत्र के बारे में उनकी ये विचार हैं कि प्रत्याशी देखा ही नहीं जाना चाहिए? लोकतंत्र में अगर ये विचार रखेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत कैसे रहेगा? मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। उनकी USP भी मोदी है, तो उनका तो सारा चुनाव पूरा मोदी के ऊपर है। देखिए, क्या एक व्यक्ति के ऊपर सेंट्रलाइज होना चुनाव? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात मैंने की, ये जब देखो उनके कोई रुचि नहीं थी रोहतक को लेकर, तो स्वाभाविक से वो और क्या कहेंगे बेचारे? आप उनसे पूछेंगे तो वो क्या कहेंगे? और वो तो यही कहेंगे कि भाई और उनके पास कोई कहने के लिए मुद्दा नहीं है। तो मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। और ये और बात है कि वो मोदी जी की बात कर रहे हैं, ये और बात है कि जो है पहले कभी कांग्रेस में भी रहे हैं, पहले BSP में भी रहे हैं, पहले इंडिपेंडेंट भी रहे हैं, शिवसेना में भी रहे हैं, पहले हुड्डा साहब के साथ भी रहे हैं, सोनिया जी के साथ भी रहे हैं, पहले मायावती जी के साथ भी रहे हैं, पहले बाल ठाकरे जी के साथ भी रहे हैं, पहले सोनीपत में भी रहे हैं, पहले करनाल में भी रहे हैं। आगे वो कहाँ जाएंगे इस बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप उन्हीं से पूछो। तो अरविंद के आने से चुनाव आसान होगा? मैं देखो इस जैसे मैंने कहा, हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई है, हमारी उम्मीदवार की लड़ाई नहीं। हमारी मुद्दा हरियाणा को झूठ और फूट की राजनीति के चुंगल से बचाना, और रोहतक लोकसभा क्षेत्र को जो 5 साल से विकास की डोर टूट गई, दोबारा से विकास के पहिए को और रफ्तार से रोहतक लोकसभा क्षेत्र में घुमाना, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को फिर चट्टान की तरह मजबूत करना, ये मुद्दे हमारे हैं। इन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं।